Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारे हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड है एंड कल्चर से डायरेक्टली रिलेटेड इन द सेंस ये ऐसे है बिकॉज एक प्रोडक्ट है एक पर्टिकुलर आर्ट है जिसको रिसेंटली जी टैग मिला है राइट right? तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि ये कल्चर से रिलेटेड है बिकॉज इट इज सम जी आई टैग इज़ समथिंग जिस इस केस में दिया गया टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म राइट एक टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म है बच्चे ये विच इज कॉल्ड द अजरक कच्छ यहाँ पे जो है आपका रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है अजरक इज आर्ट फॉर्म आप लोगों ने इस टाइप के प्रिंट्स देख रखे होंगे वैसे राइट कच्छ रीजन आपको पता है गुजरात रीजन में मेनली तीन रीजन को है जो ये कवर कर रहा है दैट इज योर बाड़मेर रीजन आपका सिंध और आपका कच्छ रीजन सिंध रीजन जो है वो कच्छ रीजन के अंदर ही जो है वो फॉल करता है मेनली सिंध रीजन आपका पाकिस्तान का पार्ट है राइट right? इनफैक्ट जो ये अजरकपुर एक गांव है जिसके नाम पे मतलब सेम जगह से डिराइव किया है अजरक आर्ट और वो वाले उसने अपना नाम का नोमिनचर गाँव के नाम का और इसका नोमिनचर सेम जगह से जो है डिराइव्ड है राइट right, बच्चे तो ये तीन रीजन जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और अजरकपुर जो गांव है वो पाकिस्तान में ये गांव है और बॉर्डर के ऊपर ही जो है वो गांव लगता है राइट right? सो so, क्या है इन अग सि सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स तो प्रिजर्विंग इंडियाज रिच टेक्सटाइल हेरिटेज राइट right? जो आपका सीजीपीडी टीएम का ऑफिस है जी जीआई जोग्रेफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट अपॉन द ट्रेडिशनल आर्टिस ऑफ कच्छ अजरक हेलिंग फ्रॉम दी वाइब्रेंट रीजन ऑफ कच्छ गुजरात राइट आप लोगों ने वो देखा होगा ना इस टाइप के प्रिंट्स वाइब्रेंट प्रिंट्स वो जेठालाल की टी शर्ट्स के ऊपर देखा होगा ऐसे वाइब्रेंट कलर्स और वाइब्रेंट प्रिंट्स और वाइब्रेंट डिज़ाइन राइट right? तो वो वाले रीजन से जो है ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो बिलोंग करती है और जीआई टैग मिल गया <laughs> इस साल जी आई टैग के ऊपर बहुत सारे जो है न्यूज़ कवरेज आई हैं सो यू गाइज नीड टू बी ऑन योर ए गेम राइट टॉप क्लास गेम के अंदर आपको होना चाहिए जी आई टैग आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक क्या है कौन देता है कितने सालों में रीन्यू होते हैं एवरी थिंग राइट पहला जी आई टैग का प्रोडक्ट इंडिया में कौन सा था सब कुछ राइट आइए बच्चे इस आर्ट के बारे में हम और देखते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग की आर्ट है बच्चे ये और अजरक का वैसे ना लिटल मतलब ही यही है लिटिल ब्रिक्स राइट right? और इसका जो नाम है वो इंडिगो से डिराइव्ड है राइट right? इंडिगो जो नील बोला जाता है जिसको Hence, आपको ना नीला नीला इसमें जो कलर है वो आपको डेफिनेटली जो है देखने को मिलता है ये पूरा देखिए आप ब्लू कलर जो है राइट right? वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा आइए बच्चे क्या चीज़ है कच्छ अजरक इट इज अ टेक्सटाइल क्राफ्ट होल्ड डीप रूट इन द कल्चर टिपिस्ट्री ऑफ गुजरात पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ ये तीन रीजन विच इज सिंध बाड़मेर एंड कच्छ रीजन लेट एस सी द मैप थोड़ा सा तो ये आपका जो है बच्चे बाड़मेर रीजन है जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा है दिस इज योर सिंध रीजन है ना जिसको होमलैंड ऑफ सिंधी ऑफ इंडियन सिंधीज एंड पाकिस्तान सिंधीज जो है उनका होमलैंड है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप करता हुआ दिखेगा आपको एंड दिस इज योर कच्छ रीजन ऑफ गुजरात राइट ये सिर्फ आपको मैं जोग्राफिकल कॉन्टेक्ट बता रहा हूँ कई बार हो सकता है इसके ऊपर ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल बन के आ जाए दैट समथिंग इवन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बट वो निकलेगा यहाँ से कि अगर आपने ये चीज़ देख रखी है तो आइए बच्चे द आर्ट ऑफ अजरक एंटेल्स ए मेटिकुलस प्रोसेस ऑफ हैंड प्रिंटिंग ऑन ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ ठीक है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है इसमें की है अजरक नॉमन क्लेचर ऑरिजिनेट फ्रॉम अजरक मीनिंग इंडिगो अ वेल नोन सब्सटेंस मोस्ट ऑफ एन एम्प्लॉयड एज पावरफुल डाइट टू अचीव ब्लूइश इफेक्ट ये तो पता ही है आपको इंडिगो के हम बात करते हैं है ना वो तो ब्लूइश इफेक्ट ही जो है वो देता है अजरक प्रिंट्स हैव ट्रेडिशनली कंसिस्टेड ऑफ थ्री कलर्स ये बच्चे देखिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीन कलर्स कौन कौन से ब्लू विच सिग्निग्नि फायर वाइट यहाँ पे क्योंकि तीन इंपॉर्टेंट कलर्स, कलर्स यहां पे हैं दैट मीनस कि चौथा डाल के पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ नॉट कंसिडर्ड एज द प्राइमरी थ्री कलर्स ऑफ आर्ट राइट कुछ इस टाइप पे जो है आपका सवाल वहां पे देखने को

जीआई के बारे में देखते हैं बच्चे थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम मिनट स्पेंड करते हैं पार्लियामेंट तो के थ्रू राइट जी आई का जो एक्ट था लेट्स सी यहाँ पे लिखा हुआ इन डिसंबर पार्लियामेंट पास दी जी आई गुड्स जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट नाइन राइट बच्चे इट इज गिवन टू स्पेसिफिक जोग्राफिकल ऑरिजन एंड क्वालिटी को दिए गए हैं उसको दिया हुआ है जैसे सुना हुआ ना अपने की इटली में फलाना फलाना गाँव है फ्रांस में फलाना के गाँव है उसकी ये वाली वाइन फेमस है उसी के नाम पर जी आई टैग एंड मोस्टली uh, <coughs> जो दिया हुआ है जीआई आई टैक्स वो आपके स्पिरिट्स एंड वाइन्स को दिया हुआ है राइट right? आगे देखते हैं द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी रिसीविंग दिस टैग वाज दार्जिलिंग टी ये बच्चे अगेन आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है राइट द टैग इज वैलिड फॉर टेन ईयर एंड कैन बी रीन्यूड ठीक है बच्चे ये इसमें इंपॉर्टेंट है इसके अलावा द जी आपका रजिस्ट्र है जी का

if you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview please check out abhimanyu ias current affairs master course 2024 it is based on trishul model you will be getting three things number one weekly classes number two weekly pdfs of current affairs number three weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough Subscribe for regular updates. This tailor made Current Affairs Master Course is enough for your preparation of Current Affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.